स्ट्रॉन्ग पैर पहले रखना। ये एक चीज देखिए, हर घर में यहाँ पर फ्लावर्स खूब सारे हैं। फ्लावर्स। Hey guys, good morning. So, आज है 3 अप्रैल और अभी हम लोग तवांग में हैं। आज हम लोग का लाइक लास्ट डे है, मतलब कल निकलना है। तो आज अभी हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं ऊपर। इस होमस्टे में हम लोग रुके हुए हैं, ये सिटन्स होमस्टे, और इनका डाइनिंग जो है गेस्ट के लिए ऊपर है। वैसे रूम सर्विस भी देते हैं। तो यहाँ आए हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आराम, बहुत अच्छा धूप आ रही है और इतना सुंदर से सजा के रखे हैं। अलग अलग प्लांट्स है, सकुलेंट्स है, ये देखिए इतना अच्छे से रखे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है, एनवायरनमेंट बहुत ही प्रीटी है। सो अभी आज देखते हैं, आज हम लोग का एक्स्ट्रा डे है एक्चुअली, तो मुझे थोड़ा सा शाम को शॉपिंग करना है। यहाँ तवांग में बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरीज मिलते हैं, जो कप है उसमें एक लीड रखा हुआ, तो वो सब खरीदना है। तो मार्केट जाएंगे, मेरा तो मेन मोटो है मार्केट, लेकिन मनीष को थोड़ा सा स्नो में फिर से जाना है। गर्मा गर्म पूरी। You want to eat पूरी? You want पूरी? Eat it. छोटा छोटा करो, पूरा नहीं, पूरा पूरा। उल्टे हाथ से सब काम करती है। कैसा? सिंपल करी। यहाँ पे लोकल्स जैसे खाते हैं, ज़्यादा मसाला वसाला नहीं है। सो तवांग के हर घर में ऐसा फ्लास्क मिलता है, ये है गर्म पानी रखने का। लुक्स लाइक ये कम से कम 2 से 3 लीटर का फ्लास्क होगा, इसमें गर्म पानी रखते हैं, इतना ठंडक होती है। चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। पी लो। ना, सुबह हो गया ना। यहाँ भी पूरा फ्लांसी फ्लांसी, इधर इनका नर्सरी है। हर घर में यहाँ पे इतना कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स रखे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा इनका नर्सरी। पिक्सी को ढूंढ रहे हैं सब, पिक्सी अंदर। ये पिद्दी भी दौड़ रहे थे, ये पिद्दी पिक्सी दौड़ा रहे थे। हाय हाय। हम जा रहे हैं अभी लुमला, इट्स अ विलेज, 45 किलोमीटर्स है तवांग से, और वहाँ पे तारा देवी का जायंट स्टैच्यू है, और उसके नीचे एक प्रेयर करने के लिए भी जगह है, इट्स लाइक टेम्पल काइंड। तो वहाँ जा रहे हैं देखने। रोड तो अभी तक बहुत अच्छी है, अराउंड 1 घंटा 15 मिनट ऐसा लगेगा। बंदर यार, भी इतना बड़ा सा, डिफरेंट टाइप का था, मोटा जमीनी नहीं की। ये क्या मोटा हटकाने वाला बंदर था, मोटा डिफरेंट शक्ल, डिफरेंट थी ना उसकी। Oh, oh, oh.
जाओ जाओ पानी पानी में खड़ी है गाड़ी। पथरीला है क्या? पथरीला है तो क्या हुआ, पैर तो रखो। गाड़ी बैठे बैठे तुम्हारे पैर डूब जाएंगे, वहाँ पर नदी किनारे यही सोचती हो या तुमको गाड़ी ही हम नदी में ले आए हैं पैर रखने के लिए। जाओ नीचे जाओ जाओ उधर के पीछे का पानी पिला दो। ये चीज मैंने कई जगह पे देखा, ऐसे ऐसे वाले घर बने हुए हैं और नीचे ऐसे लगा रहा है जब पानी से वो घूम रहा है। सो इट्स लाइक या तो पावर जनरेट कर रहा है या फिर वो ऊपर वाला जो घूम रहा है पावर जनरेट नहीं कर रहा होगा। ओ माने पथ में हूँ जो वो लिखा रहता है इनका। तो उसको कहते हैं ना मंत्र का उच्चारण ऑटोमेटिकली हो रहा है। देखिए और एक यहाँ पे घूम नहीं रहा है पानी, शायद वहाँ धार ज्यादा नहीं है। तो ये है तारा देवी का स्टैचू और यहाँ लिखा तो हुआ है कुछ, देखें क्या है हिस्ट्री। हमने गूगल में सर्च किया बट हमें मिला नहीं, तो लग रहा है अभी सब यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए कितना भव्य है स्टैचू। तो ये देखिए सामने से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वाओ बहुत ही सुंदर। और अभी ये नीचे का सब बन रहा है, ये देखिए इधर सारा, और इधर भी कुछ पर्दा लगा रखा है तो कंस्ट्रक्शन या कुछ सुंदर बन बना रहा है, तो सब बन रहा है। और ये देखिए पीछे साइड में कितना सुंदर दृश्य, दूर दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़, वैली व्यू, नीचे गाड़ियाँ, यहाँ पर सर्किट हाउस है, नदी उधर दिख रही है वहाँ पर। तो देखा आपने कितना सुंदर था ये मूर्ति। ये है जेटसन डोलमा और उनको तारा देवी से भी जाना जाता है। फीमेल फॉर्म ऑफ बुद्धा है और इनको वाइट तारा भी बोलते हैं। ये एक लोटस में बैठे होते हैं वज्रासन पोस्चर में और बहुत ही सुंदर और पीसफुल लगता है यहाँ पे आके। और माना जाता है कि ये बुद्ध देव के जो टीयर्स है उनसे फॉर्म हुई है। सो यही है, बहुत से बुद्धिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे अपने प्रेयर ऑफर करने के लिए। हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट अभी जेमीथांग विलेज, और ये जो विलेज हम लोग जा रहे हैं वो फेमस फॉर गोल्डन फार्मलैंड्स और ओपन वैली और बहुत ही सुंदर माउंटेन्स व्यू मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं जेमीथांग। पहले यहाँ से अराउंड अनदर 40 किलोमीटर्स 2 आवर्स लगेगा।
कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है. बहुत ही पास में हम लोग भूटान बॉर्डर में, ये शायद पहाड़ों जो पहाड़ दिख रहे हैं ना उसके पीछे ही भूटान होगा. बहुत सुंदर लग रहा है पूरा वैली. वैसे लुमला से जेमिथांग वाला रोड अभी तक तो सही लग रहा है. आई थिंक नया बनाया है, फ्रेशली पेव्ड लग रहा है. और तवांग से लुमला भी अच्छा ही था, बस घुमावदार है और थोड़ा सा नैरो है रोड. Open defecation free village. We are committed to keeping this village clean. So, तो ऐसा तो बहुत जगह है ना इंडिया में. इंडिया में बहुत जगह है, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो हर जगह टॉयलेट्स बना रहे हैं. ऐसा नहीं कि तुमको कभी भी दिखेगा कि टॉयलेट बाहर गिरा रहेगा. सो प्रॉपर सेफ्टी टैंक और वो सब में बना हुआ है और घरों घरों में पब्लिक प्लेसेस में है. इतना सुंदर सुंदर गांव से हम लोग गुजर रहे हैं और रोड देखिए इतना रिमोट प्लेस में हम लोग है. मतलब आप इंडिया का मैप खोल के देखोगे तो हम एकदम कोने में भूटान घेरा हुआ है, चाइना घेरा हुआ है, वहाँ है तवांग. और तवांग से भी हम लोग अभी साइड में जा रहे हैं टुवर्ड्स जेमिथांग. सो इतना रिमोट प्लेसेस है लेकिन रोड कनेक्टिविटी देखिए, मतलब अच्छा खासा रोड बना हुआ है. कुछ ही सालों में मैंने ये नोटिस किया है कि अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत काफ़ी डेवलप हो गया है. इवन रोड्स वगैरह आप देख सकते हो कितना कनेक्टिविटी अच्छा कर रहे हैं और टूरिस्ट भी बहुत बढ़ रहे हैं. इतना अच्छा नेचर है, ब्यूटी है, इंडिया से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने देश में ही बहुत सुंदर सुंदर जगह है. अभी रिसेंटली न्यूज़ में आप लोग ने सुना होगा कि चाइना ने 30 जगहों के नाम चेंज किए हैं जो अरुणाचल प्रदेश में आते हैं. सो लुक्स लाइक चाइना पूरा डरा हुआ है क्योंकि इतना टूरिज्म बढ़ रहा है अरुणाचल में और इतना डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है उसी लिए. बट हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है. जो पेमा खांडू सर जी हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अरुणाचल के, उनके अंडर में लीडरशिप में ये डेवलपमेंट में बहुत तगड़े. और तुमने सुना नहीं था कल जब हम लोग वहाँ गए थे बुमला पास में, तो जो जो सैनिक थे उन्होंने बोला हमारे साइड से इतने लोग आते हैं तो चाइना वाला जो खड़ा हुआ है वो डर जाता है, फोटो कैमरा लेके रहता है, हमारी साइड तो कोई नहीं आता, यहाँ इतने आते हैं. तो इतना डेवलपमेंट हो रहे, इतने लोग आ रहे, टूरिज्म बढ़ रहा है. और कहते हैं ना कि ये 1962 वाला गवर्नमेंट नहीं है ना, ये 1962 वाला वॉर है. इस बार ये जो नई गवर्नमेंट है और नया आर्मी है ना, तो चाइना इसलिए डर रहा है. तो अगर फिर भी उसने कुछ भी किया तो एवरीवन इज रेडी, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाएगा. जो भी हम लोग सुनते हैं कि अरे चाइना अंदर घुस रहा है, कुछ नहीं घुस रहा है. आर गवर्नमेंट, आर आर्मी इज वेरी स्ट्रांग ऑन ग्राउंड. हाँ, तो करने दो जो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं नाम अपनी खुशी के लिए करने दो. अपने आसाम के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला ना कि 7 नाम चेंज कर दो, हम 60 कर दे देंगे चेंज, तुम 30 करो, हम 60 कर देंगे, हम सजेस्ट कर देंगे. सो इसीलिए बट अरुणाचल रियली रियली गुड. मतलब कहते हैं ना अपने कश्मीर में पहले एक स्लोगन था कि अगर जन्नत है तो कश्मीर में है ना, हम कहेंगे अगर जन्नत है तो अपने भारत में है. ये नया भारत है, हर जगह आप चाहे अरुणाचल से कन्याकुमारी ऊपर वेस्ट में आप चले जाइए, गुजरात तक, नॉर्थ में चले जाइए, कश्मीर, कहीं भी
जन्नत अपने भारत में है। इतना सुंदर लग रहा है ये प्लेस। ये जगह का नाम तो है लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन ये ज़ेमिथांग से अराउंड 15 टू 20 किलोमीटर्स पहले होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना ऊपर से फॉल का पानी गिर रहा है। हाँ वो आगे भी है। ड्रोन शॉट लेते हुए मनीष और हम लोग नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे मानवी नानू नानी के साथ। पिक्सी गाड़ी के अंदर ही है, नहीं निकाला है। वाटरफॉल मानवी, इट्स अ वाटरफॉल। से कितना बढ़िया वाटरफॉल था ये बेटा। ये जगह का नाम क्या है? बीटीके। सो ये बीटीके है। वेलकम बीटीके टीसीपी बैक बेकरी। कुछ खाना बेकरी में? ज़ेमिथांग पहुंच जाए। पापा को भूख लग रहा है मेरे ख्याल से। आई हमको भी लग रही है। आई अभी बना नहीं है। ज़ेमिथांग की रोड अच्छी है ना? Come to Bapting Kang. Okay. बीटी के पोस्ट है ये। तो यहाँ का ये वाटरफॉल है, तो इसको बोल रहे हैं बापटिंग कैंग वाटरफॉल ही बोलते हैं। तो ये एरिया बन रहा है, आप ये देखिए कंस्ट्रक्शन क्या जोरों शोरों पे है। सो न्याम जांगशु ब्रिज, ब्यूटीफुल। इस एरिया में वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। सोचो जब ये पूरा बन जाएगा क्या मस्त लगेगा, है ना? ये रोड रोड पूरी टूरिस्ट भी आएंगे इधर देखने। बहुत ही सुंदर अनटच्ड वाटरफॉल, मतलब नाम ही नहीं है इन वाटरफॉल का। प्रॉपरली बोर्ड्स वोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं अभी। कितने सुंदर सुंदर गांव हैं, एकदम अच्छे से रखे हैं पूरा फूलों के साथ सजा के। मतलब बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी की काऊ लग रही है। मानवी काऊ, सी काऊ, कितनी सुंदर लग रही है। बाप रे, और एक वाटरफॉल।
पानी यहाँ तक आ रहा है। आगे और एक वाटरफॉल है। ओहो, मतलब वाटरफॉल ही वाटरफॉल, इतने सुंदर सुंदर। ये सब ऑफबीट लोकेशंस हैं। तो आगे शायद ये ज़ेमिथांग पहुंच गए हैं, ये गोरसाम विलेज। तो यहाँ पर भी क्या ब्यूटी है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा। भूख तो लग रही, कहीं पर एक कैफे का लगा हुआ था और सामने आप ऊपर देखिए क्या ब्यूटीफुल नजारा है। वेलकम टू गोरसाम मॉनेस्ट्री। ये 12th सेंचुरी में बना हुआ मॉनेस्ट्री है, बहुत ही पुराना मॉनेस्ट्री है। वाओ,